भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक होटल में गए, उस होटल से निकलने के बाद क्या देखा कि जो छोटे छोटे गाँव और शहर होते है ना, वहां यदि कार खड़ी कर दी जाए तो मोहल्ला का मोहल्ला पहले उमड़ पड़ता था। आज से 22-23 साल पहले की बात कर रहा हूं, एक बच्चा छोटा सा आया, एक गरीब बच्चा छोटा सा आया, और जैसे ही चमचमाती कार देखी उसने अपनी उंगली से कार पे अपना नाम लिख दिया, डस्ट के ऊपर अपना नाम लिख दिया। इतना खुश हुआ जैसे कार उसके बाप की हो गई हो। आदमी भी तो ऐसे ही करता है ना, जब ट्रेन में सफर करता है, बस में सफर करता है, उतरता है, एक रुमाल बिछाता है, पानी पीने जाता है, लौट करके आता है, कहता है ये सीट मेरी है। बोले सीट तेरी कैसे? बोले मेरा रुमाल बिछा है। बोले रामलाल साड़ी बिछा देगा तो क्या पूरी बस तेरी हो जाएगी? ध्यान, आदमी बच्चे ने नाम लिख दिया, बाल सुलभ चेष्टाएं। हम लोगों ने देखा, मैंने पूछा कि बच्चे ये कार तुझे अच्छी लग रही है? आंखों में बड़ा उत्साह लिए, उमंग लिए, बोले सचमुच बहुत सुंदर कार है, आपने कहां से ली है? तो मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे भाई ने मुझे जन्मदिन पर भेंट की है। उस बच्चे ने सुना, उसके मुंह से निकला काश, तो मैं समझा कि शायद ये कह रहा हो कि मेरा भी कोई ऐसा भाई होता जो मेरे जन्मदिन पर मुझे कार देता। मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा आओ कार में घूमना चाहोगे? बोले जरूर घूमना चाहूंगा। मैंने कहा आओ एक चक्कर लगाते हैं। उसे कार में बिठाया, गांव का एक चक्कर लगाया। उस बच्चे ने कहा कि एक काम करिए, ये कार मेरे घर तक मुझे छोड़ दो। मेरा अंदाज था कि शायद वो बच्चा घर में जाके रोब दिखाएगा कि मेरी ऐसे लोगों से दोस्ती हो गई है जिनके पास कार है, कार मुझे छोड़ने आती है, लेने आती है। इनका छोटा सा बच्चा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रोब दिखा लेगा, खुश हो जाएगा, खुशियां मिल जाएंगी। जैसे ही घर पहुंचे उसने अपने भाई को आवाज लगाई, उसने कहा कि मुन्ना तू बाहर निकल गया। हमें लगा कि छोटे भाई को बड़ा रौब झाड़ेगा कि देख मैं चमचमाती कार में आया हूं। 10 मिनट हो गए, मुन्ना बाहर निकल के ना आया। उसने कहा कि अंकल जी 2 मिनट रुकिए, मैं भीतर से बाहर आता हूं। वह अंदर गया, लौट करके आया, पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई कोई भाई नहीं, अरे साधारण भाई ना था। देख करके होश उड़ गए और अंदाज हमारा मिट्टी में मिल गया। वो जब लौट करके आया तो अपने भाई के दोनों हाथों को पकड़ के लाया। उस भाई के दोनों पैर नहीं थे, अपाहिज था वो भाई। छोटे भाई को गोद में उठा करके लाता है, मुन्ना आ देख मैं इस कार में बैठ करके आया हूँ। मुन्ना ने कहा कि तुम आयो भैया इसे बैठ करके। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? ये दिखाना चाहते हो कि तुम इस महंगी कार में आए हो? बच्चे ने कहा नहीं, हम मैं ये दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो अपने छोटे भाई को ये कह रहा हूँ कि देख भाई एक दिन मैं भी पैसा कमाऊंगा, और भैया तेरे लिए भी ऐसी कार लेकर के आऊंगा। ध्यान रखिए, मैं इतनी दौलत कमाऊंगा, ये कार लेकर के आऊंगा और उस कार में तुझे बिठाऊंगा ताकि तू भी ये ईश्वर की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को देख सके। अपाहिज होने के बाद भी मेरे भाई तेरे पैर भले ना हो, लेकिन ये भाई तेरे पैर बनकर के तेरे साथ चलेगा, तेरे साथ जिएगा। ये होते हैं भाई दुनिया में। आज ना जाने क्या हो गया, बचपन में भी भाई भाई लड़ते हैं, लेकिन लड़ने के बाद देखो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं, बाल नोचते हैं, और थोड़ी देर बाद देखना दोनों भाई फिर गले में हाथ डाल करके घूमने लगते हैं। उनकी दुश्मनी नहीं हुआ करती है, झगड़े तो हुआ करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है ये बात, बड़े होकर के हमें ऐसा क्या हो जाता है?
बचपन में 10 बार लड़ते हैं और 10 बार बोलते हैं, बड़े होकर एक बार लड़ते हो, जिंदगी भर बोलना पसंद नहीं किया करते हो। ऐसा कैसा बड़प्पन तुम्हारा, ऐसी समझदारी बड़े बचपन बड़प्पन से। मैं सोचता हूँ ना समझी भरा वो बचपन बहुत अच्छा हुआ करता है। लड़ लिया झगड़ लिया तू तू मैं हो गई। मेरे भाई गांठ बना करके मत जियो, ध्यान रखना दुनिया में भाई से बड़ी ताकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। अरे उनसे पूछो जिनके भाई नहीं हुआ करते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ती है। भाई से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं हुआ करती। एक बात ध्यान रखना, मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आता है। रावण धराशाही हुआ, आताताई शक्ति अपार वैभव का स्वामी रावण, तीन खंड का अधिपति। कहते हैं कि नवग्रह जिसके घर में पानी भरा करते थे और यमराज जिसके चरणों पर देते रहा करते थे, ऐसी ताकत का कोई धनी इस दुनिया में हुआ है तो लंकापति रावण को दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। रावण का वैभव, रावण की शक्ति, रावण की विद्वता, रावण से बड़ा वेद पाठी दुनिया में कोई और ना था। बस उस रावण को एक चीज बर्बाद करके चली गई, एक सीता की चाहत ने पूरी लंका को तबाह करके रख दिया। ध्यान रखना, नहीं तो सारे ग्रंथ पढ़ो, रावण जैसा ज्ञानी इंसान इस धरती पर दूसरा ना हुआ। रावण की मृत्यु होने लगी, जीवन से सांसों का रिश्ता टूटने लगा। दिए से तेल खत्म होता है तो जैसे दिए की लौ लप लप करती है, रावण की सांसें भी अटक अटक कर आ रही हैं। मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है रावण। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण के पास चंद सांसें बची हैं, वो जाओ रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ राजनीति की कला सीख करके आओ, क्योंकि रावण से बड़ा राजनीतिक दुनिया में कोई दूसरा। लक्ष्मण ने कहा कि भैया दुश्मन है वो। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, दुश्मन तभी तक दुश्मन होता है जब तक वो हथियार लिए युद्ध के मैदान में खड़ा होता है। उसके हथियार भी छूट गए, उसका अभिमान भी छूट गया, जाओ अब वो दुश्मन नहीं रह गया है, जाओ उस ज्ञानी से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण गए, रावण की अंतिम सांसें, लक्ष्मण ने कहा हे लंकेश, हे लंकाधिपति रावण, जगत के भगवान राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। रावण ने लक्ष्मण की तरफ बुझती हुई निगाहों से देखा। लक्ष्मण ने कहा कि मरते मरते ये लक्ष्मण जिंदगी के सूत्र सीखना चाहता है। रावण ने कहा कि मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा हे ज्ञान के बारिधि, जो भी तुम्हारे पास हो कोई एक सूत्र मुझे ऐसा दे जाओ जो मेरी जिंदगी में बहुत काम आए। रावण ने कहा पूछो क्या पूछना है। लक्ष्मण ने कहा कि लंकेश एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारे जैसा बलशाली योद्धा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि तुम्हारी शक्ति के सामने राम की शक्ति कुछ नहीं हुआ करती है। तुम्हारे पास सेना थी, तुम्हारे पास बल था, अस्त्र शस्त्र सब थे, राम के पास तो कुछ ना था, एक वानर सेना लेकर घूम रहे थे। एक बात बता दो लंकेश कि क्या वजह है कि राम आज विजय हुए और तुम परास्त हो गए। कौन सी वजह है कि आज तुम मृत्यु के मुंह में पड़े हो। ये बलशाली योद्धा घायल पड़ा है और एक निर्बल राम तुम्हारे सामने विजय पताका फहरा रहे हैं तुम्हारी लंका में। रावण ने दो आंसू ढुलकाए। रावण ने कहा लक्ष्मण तुमने आज वो प्रश्न किया है जो प्रश्न शायद कोई जिज्ञासु ना कर सकता। अरे तुम मुझसे पूछते हो कि राम क्यों जीते और रावण क्यों हारा। एक बात सुनो लक्ष्मण, रावण हारा नहीं है और राम जीते नहीं है। बोले मामला क्या है।
बोले यदि आज राम जीते हैं, बोले रावण हारा है, रावण अपनी ताकत से नहीं हारा और राम अपनी ताकत से नहीं जीते हैं, तो इसके पीछे राज क्या है। रावण ने कहा कि लक्ष्मण आज मैं हारा हूं और राम जीते हैं, तो उसके पीछे एक कारण है कि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। ध्यान रखना, यदि राम जीते हैं तो लक्ष्मण जैसा भाई के कारण जीते हैं और रावण हारा है तो उसके पास लक्ष्मण जैसा भाई मौजूद नहीं था। सबसे बड़ी ताकत भाई हुआ करती है। लक्ष्मण तुम्हारे जैसे भाई जिस भाई के पास होंगे, ब्रह्मांड की कोई ताकत उसका बाल बाका नहीं कर सकती है। और जिस बलशाली के पास विभीषण जैसा कुलघाती यदि भाई होगा, उस भाई को कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है।